Good morning, students. Welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. Now, today we are going to see in statistics, chapter 2, linear correlation, some spatial sums. Spatial sums मतलब ये थोड़े twisted होंगे, जो normal sums है थोड़े से unique हैं, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी. So, 12th standard English medium के लिए है ये. This is lecture number 33. Okay, so this is the illustration 29. I'm reading the illustration. If the correlation coefficient between two variable x and y is 0.5, find the value of following: r x minus y, r minus x comma y, r minus x and minus y. So, ये जो है हमारे कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज थे, ठीक है. तो ये जो पूरा सम है वो लास्ट प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, जो कि हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है. जिस दिन कार्ल पियर्सन के मेथड के हमने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले वाले सम देखे थे, उसके इमीडिएट बाद के लेक्चर में हमने कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला के प्रॉपर्टीज देखे थे, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टीज देखे थे. अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर आप किसी एक वेरिएबल के साइन को चेंज करते हो, ध्यान से सुनना, किसी एक वेरिएबल के साइन को चेंज करते हो, तो फाइनली आर का आंसर जो है वो नेगेटिव होगा. क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है. कब? अगर किसी एक वेरिएबल के साइन को चेंज किया जाए तब. अगर दोनों वेरिएबल को चेंज करते हो तो आंसर पॉजिटिव होगा. तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक वेरिएबल चेंज है, मतलब ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 है ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट वुड बी नेगेटिव 0.5. सेकंड के लिए यहाँ भी नेगेटिव है, तो वो 0.5 फिर से नेगेटिव हो जाएगा सेकंड के आंसर के लिए. ये थर्ड में आप देख रहे हो दोनों ही पॉजिटिव है, माइनस एक्स एंड माइनस वाई, सॉरी दोनों ही नेगेटिव है, माइनस एक्स एंड माइनस वाई. सो 0.5 विल बी इन पॉजिटिव, ठीक है. अगर कोई एक वेरिएबल नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव, मतलब आंसर की साइन चेंज हो जाएगी, इन शॉर्ट, ठीक है. अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो देखिए ज़रा हमारा आंसर, हियर एक्स वाई इज 0.5 फ्रॉम द प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. आपने एक वेरिएबल की साइन चेंज की तो ये एक की साइन चेंज हो जाएगी. यहाँ भी आपने एक ही वेरिएबल की साइन चेंज की है, सो दैट वुड बी चेंज्ड. यहाँ पर दोनों वेरिएबल की साइन चेंज की हुई है, तो इट वुड बी 0.5 एज इट इज. सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा. अब 29 का एक और सम है, वो भी देख लो. सी, दिस इज सम नंबर 2 ऑफ इलस्ट्रेशन 29. आर एक्स वाई इज 0.8, देन फाइंड द आर यू वी फॉर द फॉलोइंग. हम जानते हैं कि जब हम एक्स को यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या वाई को वी में कन्वर्ट करते हैं, तो R के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. ध्यान रखना, R के आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता. Why? Because the main reason behind on this is the correlation coefficient is free from origin, change in origin and change in scale. Change in origin का मतलब है आप कुछ भी प्लस करो, कुछ भी माइनस करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड चेंज इन ओरिजिन. चेंज इन स्केल का मतलब है आप वेरिएबल्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्केल. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ इट इज 0.8 देन आर यू वी ऑल्सो बी 0.8. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस हमें क्या पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि वेरिएबल के आगे माइनस साइन तो नहीं है, वेरिएबल एक्स और वाई के आगे माइनस साइन तो नहीं है. अगर किसी की साइन चेंज कर रहे हो तो आंसर का साइन चेंज होगा, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होगा. सो लेट्स सी, ये फर्स्ट में आप देख रहे हो यू इज इक्वल एक्स माइनस 10 एंड वी इज इक्वल वाई प्लस 10. ओके, तो यहाँ देखो एक्स में से 10 माइनस किया गया है और y में 10 प्लस किया गया है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप कितना भी माइनस कर लो, कितना भी प्लस कर लो, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट वुड बी सेम. सो r u v वुड बी सेम एज इट इज़
0.8, क्लियर। सिमिलरली हियर आप देखो x में से 5 माइनस किया गया है, 3 से डिवाइड किया है, y में 2 का मल्टीप्लिकेशन है और 7 ऐड किया है। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, आंसर वुड बी सेम 0.8, क्लियर है। इन द पॉइंट नंबर 3, x इज मल्टीप्लाइड विद 2 एंड डिडक्टेड 3 फ्रॉम इट and that the same value is divided by 10 and here 10 में से आपने y को माइनस किया। अब देखो y के आगे यहाँ पर कौन से साइन है, नेगेटिव साइन है ना, y के पहले यहाँ पर नेगेटिव साइन दिख रही है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव आंसर है ये हो जाएगा नेगेटिव 0.8, ओके। देन नंबर 4, यहाँ आप देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, फिर से आंसर होगा नेगेटिव 0.8। यहाँ पर x भी नेगेटिव है नंबर 5 में और y भी नेगेटिव है, तो आंसर होगा पॉजिटिव 0.8, ओके। सो लेट्स सी द आंसर, ये पहले वाले के लिए देखो, प्लस करो या माइनस करो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज 0.8। यहाँ भी कुछ भी करो आंसर दैट वुड बी 0.8, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन द आंसर इज नेगेटिव, बिकॉज x इज नेगेटिव द आंसर इज नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव दैट्स वाई आंसर इज पॉजिटिव। सो होपफुली यू हैव गॉट माई पॉइंट। सी इलस्ट्रेशन 30, अ प्रोजेक्ट इज कंडक्टेड बाई द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ एन MBA इंस्टीट्यूट टू नो द रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट ऑफ फाइनल ईयर ऑफ स्कूल एंड फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन फॉर द स्टूडेंट। The following information is obtained from the sample of 10 students. Sample of 10 students means n is equal to 10. The percentage of marks in standard 12th is x. The percentage of marks in final year is graduation is y. See, what kind of information is given? So n is given to you. X minus 65, x minus 65 is minus 2. X minus 60 is 2. X minus 65 square 176, sigma y minus 60 square is equal 140, sigma x minus 65 y minus 60 is equal 141. See, make it one thing clear as, first of all we need x bar and y bar. Why we need x bar and y bar? Because just to check whether this information that this is x bar, y bar or something else. If it is x bar and y bar, then we'll apply the formula r is equal sigma x minus x bar into y minus y bar divided by root sigma x minus x bar whole square into root y minus y bar whole square. Okay, so we'll apply this formula, in which case if this is x bar and y bar. लेकिन यहाँ पर कोई clarification नहीं है, है ना? यहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये x बार और y बार है, तो देखते हैं, चलते हैं इसके आंसर की तरफ, हमें ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि ये x बार है या नहीं है, ओके। क्या फाइंड करना है? सो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन स्टैंडर्ड 12th ऑफ द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ओके। सो लेट्स सी, कभी भी x बार होने की एक प्राइमरी कंडीशन है, आप x में से जब भी x बार माइनस करते हो, सो दैट मस्ट बी द टोटल सिग्मा मस्ट बी जीरो, x माइनस x बार का टोटल हमेशा जीरो होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। सिमिलरली सिग्मा y माइनस y बार, सिग्मा y माइनस y बार का टोटल भी कितना होता है? जीरो होता है। अगर y बार और x बार माइनस करोगे तो उसका टोटल जीरो ही मिलेगा। अब चेक करते हैं क्या हमें यहाँ जीरो मिला है। देखिए यहाँ पर x माइनस 65 इज इक्वल माइनस 2 है, इट मीन्स दैट इज क्लियर दैट दिस 65 इज नॉट व्हाट, इट्स नॉट अ x बार। सिमिलरली y माइनस 60 इज 2, सो दैट 60 इज नॉट y बार। सो ये x बार और y बार नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, जब हम कोई अपनी इच्छा की कोई चीज़ माइनस करते हैं तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है यू और वी में। देखो यहाँ पर आंसर, यहाँ से आंसर स्टार्ट है,
सो एक्स माइनस 65 इज इक्वल माइनस 2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0. इट मीन्स दिस इज नॉट एक्स बार, दैट इज अज्यूम्ड मीन कॉल्ड 65. सिमिलरली वाई माइनस 60 इज इक्वल टू इज इक्वल नॉट 0. इट मीन्स दैट 60 इज अज्यूम्ड मीन. ओके, तो ये एक्स बार और वाई बार नहीं है. इसका मतलब क्या है? ये u है, ये v है, ये u स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है और ये सिग्मा यू वी है. ओके, चलते हैं आंसर की तरफ. सो लेट्स सी हियर, सिग्मा एक्स माइनस 65 इज इक्वल सिग्मा यू, ठीक है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज माइनस 2. ये रहा सिग्मा यू, मिल गया सिग्मा वी, वी हैव सिग्मा वी, वी हैव सिग्मा यू स्क्वायर, वी हैव सिग्मा वी स्क्वायर, वी हैव सिग्मा यू वी. ओके, सो ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव एंड ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 10. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. सो बाई अप्लाइंग द फॉर्मूला वी कैन सी दिस फॉर्मूला एंड वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस फॉर्मूला ऑल्सो. सो एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाई रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर. सो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, एन के जगह पर 10 आ गया, यू वी की वैल्यू ए रही. ओके, सिग्मा यू जो था माइनस 2 था और ये 2. सारी वैल्यूज लिखते हैं. सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, जैसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव. तो ये फाइनली दिस इज द आंसर. इसी तरह से नीचे की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी. जैसे आपको ये वैल्यूज मिलती है, एक चीज़ क्लियर है, ठीक है, फिर आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेटर का काम बचता है. देखते हैं फाइनल आंसर की तरफ. ये रहा फाइनल आंसर. आप रूट प्रेस करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी. फाइनली इट इज़ 0.9031. अच्छा, अगर आंसर में कोई इश्यू है सो क्योंकि इस बुक में या अलग बुक में थोड़े प्रिंट मिस्टेक है, तो अगर कोई प्रिंट मिस्टेक हो सो आई एम बेगिंग पार्डन फ्रॉम यू. आप समझ लेना. ओके, जो भी आपके कैलकुलेटर में आंसर आता है दैट वुड बी करेक्ट. ओके, सो फ्रेंड्स होपफुली ये सम आपको अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आ चुका होगा. ओके, और ये रहा वापस से आई थिंक. ओके, ये आपका होमवर्क है आज का, ऑल इलस्ट्रेशन ऑफ चैप्टर 2. मतलब यहाँ पर चैप्टर 2 जो है हमारा फिनिश होता है. एक्सरसाइज 2 सेक्शन एफ ई डी सी रिवर्स ऑर्डर में करना है. पहले आपको करना है सेक्शन एफ, फिर करना है डी, सॉरी फिर करना है ई, फिर करना है डी और उसके बाद करना है आपको सी. सो होपफुली इतना क्लियर है आपको. सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ.